हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब किया है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग, ईजी होम डेकोर DIY आइडियाज़ देख सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होते हैं। आई होप कि आपको मेरे चैनल का ये कॉन्टेंट पसंद आएगा। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज इस वीडियो में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से, यूनिक, इंटरेस्टिंग और कुछ ट्रेंडी से 3 DIY आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये तीनों DIYs बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, एक्सट्रीमली ईजी हैं बनाने में। और बनने के बाद देखिए, मैंने इस तरीके का एक कैंडल होल्डर बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस तरीके के कैंडल होल्डर्स आपको ना तो मार्केट में देखने को मिलेंगे, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपने अभी तक इस तरीके का DIY पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों DIYs बनाए हैं कार्डबोर्ड के साथ। कार्डबोर्ड आप सभी को पता ही है कि एक ऐसी सिंपल सी चीज़ है जो हम सभी के घरों में इजीली अवेलेबल होती हैं, और कार्डबोर्ड के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी भी होता है। तो आई होप कि आप आज का ये वीडियो एंजॉय करेंगे और आपके लिए आइडियाज़ यूजफुल भी रहेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इन ब्यूटीफुल यूनिक आइडियाज़ को। तो आज का हमारा पहला DIY है ये एंटीक फ्रेम्स। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी मेटल वॉल आर्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसे मैंने बनाया है कार्डबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैंने 3 कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं 6x8 के। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 कार्डबोर्ड पीसेस कट किए हैं, और ऊपर वाले कार्डबोर्ड के ऊपर जो 2 पीस हैं उनमें मैंने रेक्टेंगुलर शेप इस तरीके से कट कर लिया है। इस तरीके से हम 2 फ्रेम्स बनाएंगे। सेम साइज़ और शेप में मैंने और कटआउट निकाल लिए हैं, और आपस में 3-3 पीसेस को हमें कुछ इस तरीके से स्टिक करके 2 फ्रेम्स को रेडी कर लेना है। तो देखिए, हमारी दोनों फ्रेम्स कुछ इस तरीके से लग रही हैं। अब चूंकि हम इसे बना रहे हैं कार्डबोर्ड के ऊपर, तो इनकी एजेस को सील करने के लिए हम इसकी बाउंड्रीज पर लगा लेंगे मास्किंग टेप को। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप टिश्यू पेपर या फिर रेगुलर न्यूज़पेपर को फेविकोल की हेल्प से भी स्टिक कर सकती हैं। तो यहाँ पर मास्किंग टेप को लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो की एक लेयर को। जेसो की लेयर को लगाने से इसके ऊपर जो ये अनइवननेस है, ये अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। मास्किंग टेप हमने जो लगाई है वो भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी, और इसके ऊपर एक फिनिशिंग लुक आएगा। तो जैसे कि एक लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे टेक्सचर पेस्ट को। तो टेक्सचर पेस्ट मैंने बनाया है POP पाउडर प्लस ग्लू प्लस वाटर को मिक्स करके। इन तीनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखते हुए एक अच्छा थिक हमें टेक्सचर पेस्ट बना लेना है, और इस टेक्सचर पेस्ट को इस फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अब इस टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई कर लेने के बाद जब ये गीला ही रहे, इसमें आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकती हैं। जो भी आपको पसंद हो उसे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकती हैं। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में काफ़ी सारे टेक्सचर पेस्ट के डिफरेंट पैटर्न्स शेयर किए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने एक फ्रेम के ऊपर इस तरीके से चेक्स का ये पैटर्न बना लिया है, और दूसरा वाला जो फ्रेम था उसके ऊपर मैंने देखिए इस तरीके से पेंसिल की बैक साइड से इसे राउंड घुमाते हुए ये ब्यूटीफुल सा टेक्सचर इसके ऊपर दे दिया है। दोनों के टेक्सचर पेस्ट अब अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे थोड़ी और डिटेलिंग। इस डिटेलिंग को करने के लिए मैंने टेक्सचर पेस्ट को एक कोन में फिल कर लिया है। ये कोन मैंने किस तरीके से बनाया है इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पर आप जो भी पैटर्न बनाना चाहती हैं वो पैटर्न इनकी बाउंड्रीज पर, इन फ्रेम के कॉर्नर्स पर बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों फ्रेम के कॉर्नर्स पर मैंने ये ब्यूटीफुल सी इस तरीके से ये पैटर्न्स बना लिए हैं। कोन से ये डिज़ाइंस बनाने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख देना है। तो देखिए, हमारी दोनों फ्रेम्स के ये पैटर्न्स अब ड्राई हो चुके हैं। अब आप इन्हें जिस कलर में चाहें उस कलर से पेंट कर सकती हैं, इन्हें कलरफुल बना सकती हैं। क्योंकि मैं इसे एंटीक इफेक्ट देने जा रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने इसे वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया है, और बाद में इसके ऊपर मैंने गोल्ड मेटेलिक कलर लिया है, और कुछ इस तरीके से इन दोनों फ्रेम्स को पेंट कर लिया है। गोल्ड कलर करने से इन फ्रेम का लुक
बहुत ही ज़्यादा रॉयल निकल कर आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। एक एंटिक और मेटेलिक इफेक्ट मिल रहा है इन फ्रेम्स को। अगर आप इसे मेटेलिक इफेक्ट नहीं देना चाहती हैं तो आप इसे कलरफुल भी बना सकती हैं, जो भी कलर्स आपको पसंद हो उन कलर्स को आप इन फ्रेम्स के ऊपर कर सकती हैं। तो यहाँ पर गोल्डन कलर करने के बाद हमने जो इनके कॉर्नर्स पर पैटर्न्स बनाए हैं उसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर करते हुए इन फ्रेम्स की पेंटिंग को कंप्लीट किया है। तो देखिए हमारे एक फ्रेम की ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फ्रेंड्स लग रही है ना ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एकदम यूनिक। तो देखिए इसी सिमिलर पैटर्न में हमें हमारी दूसरी फ्रेम को भी पेंट कर लेना है और हमारी दूसरी फ्रेम भी रेडी कर लेनी है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेटल से बने हुए वॉल आर्ट अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इस तरीके के होम डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही क्लासिक और ट्रेंडी लगते हैं। तो मेटल वॉल आर्ट जब आप ऑनलाइन या फिर मार्केट में देखेंगी परचेस करेंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, प्राइजी होते हैं। आप इस तरीके से कार्डबोर्ड पर उन्हें बनाकर बहुत ही कम बजट में उन्हें क्रिएट कर सकती हैं और अपने होम को डेकोरेट कर सकती हैं। आई होप कि आज के कार्डबोर्ड के साथ बनाए गए ये सभी DIYs आपको पसंद आएंगे। तो हमारी दूसरे फ्रेम की पेंटिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी है। इन फ्रेम के बीच में जो हमने ये विंडो वाला पैटर्न बनाया है इसके अंदर हम स्टिक करेंगे एयर ड्राई क्ले से बना हुआ 3D फ्लावर, जिसके लिए मेरे पास दो छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई थी उनकी मैं कैप ले रही हूँ। इन कैप को इन फ्लावर्स के नीचे स्टिक करने से इनका थोड़ा उठा हुआ लुक आएगा। आपके पास अगर इस तरीके की कैप्स नहीं है तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस को आपस में स्टिक करके भी इस तरीके के फ्लावर के नीचे लगा सकती हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का ही एक फ्लावर का कटआउट निकाल लिया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे मोल्डेड की एयर ड्राई क्ले। यहाँ पर मैंने फेविकोल की हेल्प से इस एयर ड्राई क्ले को इस फ्लावर के ऊपर स्टिक कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट कटआउट्स को भी इस तरीके के विंडो के पैटर्न में स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि कोई माइथोलॉजिकल एलिफेंट फेस हो गया, त्रिशूल या फिर लोटस फ्लावर। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स या फिर कटआउट्स को आप इस विंडो में स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एयर ड्राई क्ले के फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं। अब हमने जो हमारी कैप ली है बॉटल की उसे भी एयर ड्राई क्ले से कवर करते हुए इस विंडो के बीच में स्टिक कर दिया है और इसके ऊपर लगा लिया है इस एयर ड्राई क्ले के फ्लावर को। अब इन फ्लावर्स को मैं पेंट कर रही हूँ रेड पर्ल एक्रेलिक कलर से। रेड कलर से इन फ्लावर्स को पेंट करने के साथ साथ मैंने इसके बीच में थोड़ा गोल्डन का टिंट दे दिया है, जिससे कि ये फ्लावर्स और भी ज़्यादा रॉयल लगेंगे। फ्रेंड्स इन फ्लावर्स को थोड़ी और डिटेलिंग देने के लिए मैंने इनके बीच में 3D वाइट आउटलाइनर से इस तरीके की चेक्स बना ली हैं, जिससे कि इन फ्लावर्स का ये 3D लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये दोनों फ्रेम्स को कम्प्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर मेटेलिक वॉल आर्ट को कार्डबोर्ड से बनाया है और वो है ये जाइंट लीव्स। इस तरीके की लीव्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा DIY, जो कि है ये ब्यूटीफुल यूनिक कैंडल होल्डर, जिसे मैंने गुजरात के लिप्पन आर्ट से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने पेटल शेप के ये 4 कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं और दो दो को आपस में फेविकोल लगाकर कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है। इन 4 पीसेस के साथ साथ मैंने 4 छोटे पीसेस भी लिए हैं, जिसे हम नीचे की ओर स्टिक करेंगे, जिनके ऊपर हम हमारे कैंडल्स को रखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों पीसेस को हमें स्टिक कर लेना है और बाद में इनकी एजेस को सील करने के लिए मैंने इनके ऊपर लगा ली है मास्किंग टेप।
तो देखिए हमारे चारों पीसेस रेडी हो चुके हैं। इनके ऊपर मैंने मास्किंग टेप लगा ली है। अब हम लेंगे पुट्टी का डो। यहाँ पर मैंने ली है वॉल पुट्टी। इसका एक अच्छा सा डो मैंने बना लिया है और इस पुट्टी के डो से हमें कवर कर लेना है इन कार्डबोर्ड के पीसेस को। सबसे पहले हमने जो ये पेटल शेप वाले कार्डबोर्ड को बनाया है उसके ऊपर हमें लगा लेना है इस वॉल पुट्टी को और गिली फिंगर टिप की हेल्प से इन्हें स्मूथ कर लेना है। इसी के नीचे की ओर हमें हमारे छोटे वाले जो कार्डबोर्ड पीसेस हमने बनाए हैं कैंडल्स को रखने के लिए, उसे रखते हुए उसे भी वॉल पुट्टी से कवर कर लेना है और इन दोनों पीसेस को ड्राई होने के लिए रख देना है। तो देखिए दोनों पीसेस अब अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। इनके थोड़ा और स्मूथ करने के लिए हम इन्हें रब कर देंगे सैंड पेपर से। वैसे भी इन्हें वॉल पुट्टी से बनाया हमने तो इनके ऊपर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। इन्हें हमें हल्के हाथों से रब कर लेना है और इन्हें स्मूथ बना लेना है। तो देखिए हमारे दोनों पीसेस कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। अब हम इन्हें पेंट कर लेंगे। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने ब्राइट ये येलो कलर लिया है। आप चाहें तो इसे डिफरेंट कलर में भी बना सकती हैं। येलो कलर का शेडेड इफेक्ट दिया है मैंने इसके ऊपर और इन दोनों कैंडल होल्डर्स को पेंट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे लिपन आर्ट। तो लिपन आर्ट को बनाने के लिए अगेन मैं वॉल पुट्टी ही ले रही हूँ। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सी और ब्यूटीफुल सी ड्राइंग कर ली है। सबसे पहले ये पैटर्न इसके ऊपर ट्रेस कर लिए हैं। अब फेविकॉल की हेल्प से मैंने वॉल पुट्टी को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। फ्रेंड्स वॉल पुट्टी से काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये एयर ड्राई क्ले की तरह ही वर्क करती हैं और प्राइस में बहुत ही ज़्यादा चीप भी पड़ती हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से वॉल पुट्टी के पैटर्न्स को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत ही कम प्राइस में एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल कैंडल होल्डर्स अपने घर पे इजीली बना सकती हैं। आई होप कि आज के ये जो कार्डबोर्ड के सभी DIY आइडियाज़ हैं आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। इस तरीके के कैंडल होल्डर्स आपको मार्केट में भी नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं और जब आप इसे अपने घर पर क्रिएट करेंगी तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी का भी थोड़ा टच होगा जो कि इसे और भी ज़्यादा यूनिक बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों कैंडल होल्डर्स के ऊपर मैंने वॉल पुट्टी का ये वर्क कर लिया है और अब इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे मिरर्स को जो कि इन कैंडल होल्डर्स का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिरर्स को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है। मिरर्स को स्टिक करने के बाद मिरर के अराउंड मैंने 3D व्हाइट आउटलाइनर से इसकी आउटलाइनिंग बना दी है। ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा डिटेलिंग करते हुए इसे और भी ज़्यादा क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन मिरर्स के अराउंड और छोटी छोटी डिटेलिंग और कर दी है और इन कैंडल होल्डर्स को कम्प्लीट कर लिया है। इन कैंडल होल्डर्स को हैंग करने के लिए मैंने इसके ऊपर की ओर जूट थ्रेड से एक लूप बना लिया है और वॉल पर इसे हैंग कर दिया है और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब हम बनाएंगे हमारा आज का लास्ट और तीसरा DIY जो कि बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल है। ये ट्राइबल मास्क, आप इसे नज़र बट्टू भी बोल सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए मेरे पास कार्डबोर्ड का ये बॉक्स रखा हुआ था। इसी के ऊपर मैंने इनके फेस को ट्रेस करते हुए कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को आप टोटली अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए 2 पीसेस कार्डबोर्ड की। इस शेप में मैंने इन कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरीके के ट्राइबल मास्क अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आई एम श्योर कि आपने इंस्टाग्राम या फिर ऑनलाइन देखे होंगे इस तरीके के ट्राइबल मास्क। आप इन्हें बहुत ही कम बजट में बहुत ही इजीली घर पे बना सकती हैं और अपने वॉल डेकोर में इन्हें ऐड कर सकती हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों कटआउट्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हमें इन्हें थोड़ा कर्वी शेप देना है, जिसके लिए आप कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ ले लीजिए। मैंने ली है स्प्रे की बॉटल और इसके अराउंड हमें इस कार्डबोर्ड पीस को लगाते हुए इसे किसी भी चीज़ से टाई कर लेना है। आप चाहे तो सेलो टेप से भी इसे स्टिक कर सकती हैं। इसे मैंने जूट थ्रेड की हेल्प से बांध लिया है। बांध लेने के बाद इसे हम स्पॉन्ज की हेल्प से थोड़ा डैम्प कर लेंगे, जिससे कि इसका शेप कर्वी आ जाएगा और ये इसी शेप में रहेगा। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से बांध लेने के बाद हमें इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। तो देखिए हमें इसे ओवरनाइट छोड़ने के बाद अब हम इसे खोल लेंगे और देखिए इनका एक बहुत ही अच्छा ये कर्वी शेप आ गया है। अब इन कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर हम स्टिक करेंगे बकरम शीट को, आप इसे कैनवास भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पर बकरम शीट या फिर कैनवास नहीं है तो हमारे पास जो शॉपिंग बैग आते हैं फैब्रिक के बने हुए, उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले DIY में बताया था कि आप किस तरीके से शॉपिंग बैग से कैनवास को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर फेविकोल लगाते हुए इन कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर मैंने स्टिक कर दी है बकरम शीट को। तो देखिए दोनों कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर मैंने ये बकरम शीट लगा ली है और अब ये ड्राई हो चुकी है। अब इन दोनों पीसेस को हमें ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेना है। ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है और बाद में हम इसके ऊपर करेंगे एयर ड्राई क्ले क्राफ्ट। तो यहाँ पर मैंने मोल्डेड किए एयर ड्राई क्ले ली हैं और अब हम इसके ऊपर इनके फेसेस को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों पीसेस को हम बनाएंगे कपल के पेयर में, जिसमें हम एक बनाएंगे मैन और दूसरा बनाएंगे वुमन। तो यहाँ पर देखिए इनकी डिटेलिंग को टोटली आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल बनाया है। आपको अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न चाहिए तो आप पिंटरेस्ट पर भी चेक कर सकती हैं कि ट्राइबल मास्क को आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मैन के इस फेस को बना लिया है और सेम इसी पैटर्न को रखते हुए मैंने वुमन के फेस पर भी एयर ड्राई क्ले का क्राफ्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, आपने ट्राइबल मास्क के इस तरीके के काफी सारे DIYs देखे होंगे, जिसमें पेपर माश का यूज़ किया जाता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये मैंने ट्राइबल मास्क बहुत ही इजी वे में बनाया है। इसके लिए आपको कार्डबोर्ड पीस चाहिए और किसी भी आप शॉपिंग बैग को यहाँ पर स्टिक करके बना सकती हैं। अगर आपके पास एयर ड्राई क्ले नहीं है तो आप वॉल पुट्टी से भी इन सभी चीज़ों को क्रिएट कर सकती हैं। आई होप कि ये ईजी ट्राइबल मास्क का DIY आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने इन ट्राइबल मास्क के दोनों फेसेस को बना लिया है। क्ले का ये क्राफ्ट करने के बाद हमें इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख देना है और बाद में हम इसे पे करेंगे पेंटिंग। तो यहाँ पर इन्हें कलरफुल बनाने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है फेब्रिका पल्स कलर का ये सेट, जिसमें 6 कलर्स आते हैं। इन कलर्स में थोड़ी शाइन रहती है, थोड़ी ग्लिटर रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो यहाँ पर इसी सेट के मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लेते हुए इन ट्राइबल मास्क को पेंट कर लिया है। इन ट्राइबल मास्क में मैंने काफ़ी सारे ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है और एक और इसमें मैंने गोल्डन कलर का, गोल्डन मेटेलिक कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, जो कि इन ट्राइबल मास्क को एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रॉयल लुक दे रहा है। तो जिन कलर से मैंने ये मेन वाला मास्क बनाया है, सेम उन्हीं कलर्स को फॉलो करते हुए मैंने वुमन के भी मास्क पर ये कंप्लीट पेंटिंग कर ली है।
तो कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों ट्राइबल मास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब इनके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट डिटेलिंग करके इन्हें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती हैं। इनके फेस के ऊपर मैंने थोड़े से फेदर्स को स्टिक कर दिया है। मेरे पास कुछ इस तरीके के कलरफुल फेदर्स रखे हुए थे, तो इन दोनों मास्क के ऊपर की ओर मैंने इन्हें स्टिक कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरीके के फेदर्स नहीं हैं तो सिंपल सी जो टूथपिक्स आती हैं उसे भी आप इनके सिर के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो इनके फेस के ऊपर इन फेदर्स को मैंने स्टिक कर दिया है और नीचे की ओर जूट थ्रेड को लगा लिया है और कुछ मिरर्स को इनके सिर के ऊपर स्टिक करते हुए इन्हें थोड़ा और ग्लिटरी लुक दिया है। इन मास्क को हैंग करने के लिए मैंने पीछे की ओर जूट थ्रेड से इस तरीके से 3 से 4 लेयर लगा दी हैं और बीच में एक लूप बनाते हुए इन मास्क को हैंग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के तीनों इजी, इंटरेस्टिंग, फन और यूनिक डीआईवाई आइडियाज़। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा डीआईवाई कौन सा लगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के तीनों यूनिक, इंटरेस्टिंग और बजट फ्रेंडली डीआईवाई आइडियाज़। आई होप कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के ये तीनों डीआईवाई आपको पसंद आए होंगे। कार्डबोर्ड का ये रिसाइकल का वीडियो आपने इंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप मेरे इन आइडियाज़ से इंस्पायर होते हैं, आपको मेरे आइडियाज़ यूज़फुल लगते हैं और आप इन डीआईवाईज में से कोई भी डीआईवाई अपने घर पे क्रिएट करते हैं, तो आप उनके पिक्चर्स मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पामेचा वर्षा। मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, आपको आपके लिए मेरे ये आइडियाज़ यूज़फुल हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मेरे एक और इजी और इंटरेस्टिंग डीआईवाई के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।